मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने पेट्रोल डीजल गैस के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इन सवालों को लेके आगामी 10 सितंबर को सोमवार को पूरे देश में आम हड़ताल का आह्वान किया है। हम ये कहना चाहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उनकी नीतियाँ उसके ठीक विपरीत हैं और उसका आलम हम देख रहे हैं। पिछले जुलाई 2017 में सरकार ने पेट्रोल डीजल के हर रोज़ दाम तय करने का फैसला किया था, डी कंट्रोल उनको पूरी तरह कर दिया था। उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो 2010 में रेट थे उससे लगभग 3/4 रेट हैं। उसके बावजूद भी आज पेट्रोल 80 को क्रॉस कर चुका है प्रति लीटर और डीजल जो है वो 74 रुपये से ऊपर जा चुका है। और सरकार ने जो उस समय पे ये कहा था, 11 बार उन्होंने इस बीच में टैक्स बढ़ाए हैं अलग अलग ढंग से, जिससे 10 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब से निकाले हैं। और वायदा किया था सरकार ने कि इस पैसे को पूल करके जब दाम बढ़ेंगे हम ये पैसा जनता को टैक्स घटा के उससे कुछ राहतें देंगे। उस पूल का असल में उन्होंने कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया है और अपने खजाने भर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अगर हम देखें देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, बात की जा रही थी उज्ज्वला योजना की, आज सिलेंडर 800 रुपये से ऊपर पहुँच चुका है। ये जो आज आम जनता पे मार पड़ी है जिसके कारण माल भाड़ों के दाम बढ़ चुके हैं, अलग अलग परिवहन सेवाओं में जो किराए हैं वो बढ़ चुके हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार अपने वायदे को पूरा करे, पेट्रोल डीजल गैस के दाम घटाए। और इसके साथ साथ असल में सरकार ये चाहती है राफेल के मसले पे भी और अन्य कई मसलों पे, चाहे नीरव मोदी का मसला है, चौकसी का मसला है, पैसे लेके भाग गए हैं लोग, यहाँ किसान कर्ज माफ़ी के सवाल को लेके लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर न्यूनतम वेतन के सवाल को लेके लड़ रहा है, उनके लिए पैसा नहीं है, पूंजीपति यहाँ पैसा लूट के जा रहे हैं और जनता की लुटाई की जा रही है। और पिछले दिनों जो रिज़र्व बैंक ने भी कहा है नोटबंदी में 99.7% नोट वापस आ चुके हैं, उसके बाद जो उन्होंने दावे किए थे कि हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, वास्तविकता में जनता पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। और हम तमाम न्यायप्रिय लोगों से, तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील करते हैं, तमाम व्यापारी संगठनों से अपील करते हैं, ऑटो चालकों से, ट्रांसपोर्टर से, 10 तारीख के आम हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लें और सरकार को ये संकेत दें इन नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पेट्रोल डीजल गैस के दाम वापस किए जाएं। इस सवाल को लेके 10 तारीख को बड़ी संख्या में आम हड़ताल का हिस्सा बने। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आप तमाम लोगों से अपील करती है।